अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं दोबारा फिर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी के साथ हाजिर अपने जो जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसमें मैं आपको रेमेडीज़ वगैरह बताता हूँ, टोटके बताता हूँ, और ऐसे टोटके बताता हूँ जो बहुत आजमूदा होते हैं, जो मैंने खुद इस्तेमाल किए होते हैं और मुझे फ़र्क पड़ा होता है। तो आज भी मैंने लास्ट टाइम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दाढ़ दर्द और दांत दर्द की एक रेमेडी शेयर की थी, जिसमें सरसों का ऑयल और मैंने फिटकरी यूज़ की थी। आज उसका वेरिएशन है, आज उससे मैंने मज़ीद जो है ज़बरदस्त बनाया है, जिससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो इसमें थोड़ी सी एडिशन है। चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसके लिए हमें क्या चाहिए। 1/4 के करीब छोटा सा पीस मैंने लिया है ये फिटकरी का। 3 मैंने लौंगे लेके दरदरी मैंने पीस लिए। अगर इसे फाइन पाउडर आप बना सकते हो तो बना लें, अदरवाइज इस तरह भी ये चल जाएगा। और इसके लिए हमें चाहिए सरसों का खालिस तेल, 1 टेबल स्पून के करीब सिर्फ। तो आपने क्या करना है, ये बहुत ज़बरदस्त है, इससे बहुत फ़ायदे होंगे आपके। इससे तो आपके दांत में जो कीड़ा लगा हुआ है, मुसलसल आप इसे यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, यानी अगर आप डेली यूज़ करेंगे इसे। और इसे आप जो है रुई के साथ लगा के थोड़ी सी जहाँ शदीद दर्द, जहाँ खोर है आपकी दाढ़ के अंदर, आप उसके अंदर रख लें। हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर आपका दर्द दूर हो जाएगा, और 2-3 दफ़ा करने से दिन में और 2-3 दिन करने में आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों इसे मैं आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। दोस्तों ये देखिए, मैंने यहाँ पे जो फिटकरी ये साबुत है मैंने पीस के, तकरीबन इसी साइज़ के पीस के, और 1 टेबल स्पून के करीब या 1 टीस्पून ले रहे जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो इसके अंदर मैंने फिटकरी पीस के तेल के अंदर डाल के यहाँ पे रखी हुई है। थोड़ा ये टाइम टेकन होता है, इससे मैंने टाइम बचाने के लिए रखा हुआ है। और 3 लौंगे मैंने दरदरी पीस के इसके अंदर आते हैं शामिल कर देना है। 1 टी स्पून के करीब जितना एक दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है उस हिसाब से हमने क्वान्टिटी लेनी है। सर दोस्तों से मिक्स कर लें अच्छे तरीके के साथ। लौंग अगर आप फाइन पाउडर बना सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन इस तरह भी चल जाएगा। चलिए दोस्तों ये हो गया, ये लौंग होता है हमारा, ये देखिए। चलिए दोस्तों ये हो गया। अब ये मैंने फिटकरी, सरसों का तेल और लौंग को मैंने मिक्स कर लिया। अब आपने क्या करना है, इस तरह छोटी सी रुई लेके इस तरह गोल करना है इसे, और कोशिश करनी है कि ये जो लौंग के दाने इसके अंदर आए साथ में, इस तरह पकड़ के आपने आपने दाढ़ में खोर में रख लेना, या जहाँ पे आपको पेन है तो आपने उधर रख लेना है। और आपने 5 से 10 मिनट तक मुंह को बंद रखना है, आपके जो लोआब आएगा अपने मुंह में ही रखना है। और आपने इसे अंदर जो है मुख्तलिफ दांतों के अंदर जहाँ जहाँ आपको पेन है इसमें जज़्ब होने देना है, और उसके बाद आपने इसे थूक देना बाहर सारा, और फिर आपने नीम गर्म पानी के साथ कुल्ली कर लेनी है। तो आपकी हार्डली 5 to 10 मिनट्स के अंदर जो शदीद दर्द हो रही होगी वो रिलीफ में बदल जाएगी। और दोस्तों अगर आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो आप इसमें इसी महलूर को, इसकी वेरिएशन है यानी फटकरी और सरसों का जो ऑयल है, इसी के अंदर आपने रुई लगा के मुख्तलिफ दांतों के ऊपर लेप करके मुंह बंद कर लेना 5 to 10 मिनट्स। तो आप 1 हफ्ते से 2 हफ्ते करेंगे ये अमल, तो आपकी जितने भी दांत के अंदर वो प्लैक लगा हुआ है, काला कीड़ा लगा हुआ है, तो वो खुद ब खुद उतर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। जस्ट आप इसमें से लौंग को ओमिट कर दें, यानी निकाल दें, स्किप कर दें इसके अंदर। तो अगर आपके दांत में दर्द है या दाढ़ में दर्द है तो फिर आप लौंग के साथ इसे कर लें, ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। अदरवाइज ये मैंने पिछली जो वीडियो बताई थी आपको, तो आपको लौंग के बगैर भी ये वर्क करता है, लेकिन अगर आपने इसे ज़्यादा मुफीद बनाना है तो आप इसमें लौंग 3 से 4 लौंग पीस के डाल दें, या दरदरा कूट के डाल दें जिसमें मैंने डाला था। और इस तरह लौंग पीसीस जो है लाजमी आपने बीच में देने हैं, क्योंकि लौंग के जो एसेंशियल ऑयल है, जिसके अंदर ऑयल पाया जाता है, ये बहुत ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक होता है, स्पेशली दाढ़ दर्द के लिए, रेशे को जलाने के लिए, रेशे को बर्न करने के लिए, अगर रेशा हो जाए तो। चलो दोस्तों ये तो थी एक सिंपल सी वीडियो, बस आपने इसमें ये ख्याल रखना है, आपने फाइन जो है फिटकरी पीस के सरसों के ऑयल में डाल देनी, जिसमें मैंने ये डाल के रखी हुई है 1 टेबल स्पून के अंदर, तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें लौंग शामिल कर लेना है।
आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। अगर कोई मसले है तो आपको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये डेफिनेटली 110% वर्क करेगा, इसमें कोई फेक चीज़ नहीं है। तो मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से भी आप सब्सक्राइब करो। मुझे ज़्यादा देखिए, हाफिज़, टेक केयर।